क्या आप जानते हैं हेडफोन कान के लिए कितना हानिकारक है? और एक ऐसी मछली जिसके 3 दिल होते हैं, और एक ऐसा आइलैंड जहां पर केकड़े ही केकड़े रहते हैं। तो ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैक्ट नंबर 1, तोते तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे जो कि हवा में उड़ते टाइम बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे, काकापोस नाम की ये प्रजाति तोते की उड़ ही नहीं पाती क्योंकि इसके पंख बहुत छोटे होते हैं। और वैसे बात करें तोतों की प्रजाति की तो तोतों में 350 प्रजातियां होती है। फैक्ट नंबर 2, इंसान हो या जानवर सभी के एक ही दिल होता है। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कटल फिश नाम की ये मछली के 3 दिल होते हैं और ना जाने आप कितनों के दिल जीतेगी। फैक्ट नंबर 3, अगर हम 1 से लेकर 99 तक की स्पेलिंग में कहीं पर भी ABCD चेक करते हैं तो आपको ये कहीं पर भी नहीं दिखेगी। पर अगर हम 100 की स्पेलिंग में ABCD चेक करते हैं तो आपको D दिखेगा। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक रिसर्च से पता चला कि अगर आप आपके कुत्ते या बिल्ली को अंगूर देते हैं तो उनकी किडनी फेल हो सकती है। तो कुत्ते और बिल्ली को अंगूर से दूर ही रखें। फैक्ट नंबर 5, गाय हमारी माता है और एग्जाम में हमें कुछ नहीं आता है। बचपन में ये बातें तो हम बहुत बोलते थे, पर आप जानते हैं वाकई में गाय हमारी माता है। एक रिसर्च से पता चला कि एक गाय पूरी लाइफ में 2,00,000 के समथिंग दूध का ग्लास भर देती है। आप लोग खुद देख सकते हैं, और 1,00,000 तो बनता है गौ माता के लिए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये बात तो आपने बहुत सी जगहों पर सुनी होगी कि पेड़ को काटकर ही पेंसिल बनती। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे, एक एवरेज वाले पेड़ से कितनी पेंसिल बनती होंगी? तो एक एवरेज वाले पेड़ से समथिंग 1,70,100 पेंसिलें बनती हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है तो आप लोग बोलेंगे आईफोन। वैसे आईफोन तो लिस्ट में है ही सही, पर एक सर्वे से पता चला कि सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रूबिक क्यूब है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जब भी हम बातें करते तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते, तो आप जानते हैं आपकी बातें और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, और जो आपकी बातें सुन रहा होता है वो और भी अच्छे से सुनता है। फैक्ट नंबर 9, इमोजीज का यूज तो हम सभी लोग करते, पर आप जानते हैं इमोजीज का इन्वेंशन किसने किया था? ये है सिगेटा कुर्तिया, जिन्हें इमोजीज का इन्वेंशन किया था, वो भी 1999 में। फैक्ट नंबर 10, वैलेंटाइन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, और जो रिलेशनशिप में होते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है। पर आप जानते हैं वैलेंटाइन डे के ठीक अगले महीने 14 मार्च को जापान में वाइट डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देती है जिससे वो प्यार करती है। सच में जापान की तो बात ही निराली है, लड़कियों की जेब से भी पैसा निकाल लिया। अगर ये फैक्ट जो समझ गया नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11, जो इंसान जितनी ठंडी जगह में सोता उसे उतने ही खतरनाक सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 12, उल्लू को वैसे कहा जाता है कि उल्लू बड़ा ही तेज होता है, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उल्लू कभी भी पीछे की तरफ नहीं देखता। फैक्ट नंबर 13, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं जो कि एक फुटबॉलर, पर आप जानते हैं अगर आप उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स देखेंगे तो हैरानी हो जाएंगे। वैसे हैरान होने की कोई बात नहीं है, बंदे ने मेहनत करी है जब वो इस लेवल पे पहुंचा है, और वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट करने के $1 million लेते हैं, और इंडियन रुपीस में बात करें तो 7.5 crore rupees। और बात करें इंस्टाग्राम से उनकी एनुअल इनकम कितनी होती तो 47.8 million, यानी कि इंडियन रुपीस में 340 crore। और आप भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14, आइलैंड तो आप सभी लोगों ने बहुत देखे होंगे, पर आप जानते हैं फ्लोरिडा के डेस्टिन में केकड़ों का आइलैंड है, मतलब यहाँ पर केकड़े ही केकड़े रहते हैं। अगर ये फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड को शेयर जरूर करना। फैक्ट नंबर 15, हेडफोन का यूज़ तो हम सभी लोग करते, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हेडफोन का ज़्यादा समय तक यूज़ करना कितना नुकसान भी है। फर्स्ट है तेज वॉल्यूम, बहुत से लोग हेडफोन में तेज वॉल्यूम करके गाना सुनते हैं, पर आप जानते हैं तेज वॉल्यूम से गाना सुनने से न सिर्फ कानों को बल्कि व्यक्ति के दिल को भी नुकसान होता है। तेज आवाज गाने सुनने से हार्ट बीट तेज हो जाती है और नॉर्मल स्पीड के मुकाबले तेजी से धड़कने लगती है। सेकेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके बहुत से फ्रेंड लोग आपका हेडफोन मांगते हैं और आप लोग दे देते हैं, पर आप जानते हैं एक दूसरे के हेडफोन यूज़ करने से इन्फेक्शन भी हो सकता है और एक टाइम पे कोई सी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो जितना हो सके अपना खुद का हेडफोन यूज़ करें। और आप लोग सोच रहे होंगे तो अब क्या हेडफोन यूज़ नहीं करें? हेडफोन यूज़ करो, पर कम वॉल्यूम में, ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ ना करो। और आप दूसरों को हेडफोन देते तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें, और ज़्यादा समय तक हेडफोन का यूज़ ना करें। और अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।